नमस्कार, मैं कंचन भारद्वाज स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल जीवन कोश में। आज के वक्त में खुद को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज जितनी जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है आपकी डाइट। अगर आप एक्सरसाइज ज्यादा नहीं भी करते लेकिन सही समय पर सही मात्रा में न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं तो भी आपको इसके बहुत फायदे होते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सब्जियां और फल हमारे हेल्थ के लिए लाभदायक होते हैं। उन्हीं में से एक सब्जी है ब्रोकली, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इसके सेवन से कई तरह की बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। तो चलिए आज हम आपको ब्रोकली के फायदे और ब्रोकली बनाने की विधि के साथ इसके कुछ नुकसान के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं ब्रोकली के फायदों की। वजन का बढ़ना और घटना, ये आपके खान पान पर डिपेंड करता है। ज्यादा ऑयली और बाहरी चीजें खाने से वजन बढ़ने की समस्या आम हो चुकी है। ऐसे में ब्रोकली के सेवन से बढ़ते वजन की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। ब्रोकली में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपकी चर्बी को घटाने में मदद कर सकता है। इसीलिए ब्रोकली खाएं और वजन घटाएं। ब्रोकली खाने के साथ साथ आपको डेली एक्सरसाइज और अच्छे खान पान पर ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत है। लीवर में फैट के बढ़ने से लीवर से जुड़ी समस्याएं होने लगती है। लीवर काम करना बंद भी कर सकता है। ऐसे में ब्रोकली में पाया जाने वाला सल्फोराफेन फैटी लीवर की समस्या से बचा सकता है। इसीलिए स्वस्थ लीवर के लिए ब्रोकली का सेवन जरूर करें। पोषण की कमी से हड्डियां और दांत कमजोर होने लगते हैं और जब तक इससे संबंधित कोई बड़ी समस्या ना हो हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते। ब्रोकली में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जो आपकी हड्डियों और दांतों के लिए फायदेमंद होता है। आंखें हमारे शरीर का जरूरी अंग होती है और शरीर के बाकी हिस्सों की तरह इन्हें भी पोषक तत्वों की ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनकी आंखें कम उम्र में ही खराब हो जाती हैं। यहाँ तक कि बच्चों को भी चश्मे लग जाते हैं। ऐसे में उनके लिए ब्रोकली फायदेमंद साबित हो सकती है। ब्रोकली में ल्यूटिन और जिएथिन जैसे गुण होते हैं जो आंखों के लिए सबसे उत्तम पोषक तत्व माने जाते हैं। ये आपकी आंखों को कमजोर होने से बचाती हैं। तो ब्रोकली खाइए और आंखों की रोशनी बढ़ाइए। भूलने की समस्या बच्चे हो या बुजुर्ग सभी को परेशान करती है। कुछ बच्चे परीक्षा के लिए बहुत पढ़ाई करते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में सब भूल जाते हैं। ये समस्या उम्र बढ़ने के साथ साथ गंभीर होती चलती है। इस समस्या का इलाज भी ब्रोकली में छिपा है। ब्रोकली में कई तरह के विटामिन होते हैं और इसके सेवन से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है। इस वजह से ब्रोकली आपकी याददाश्त को मजबूत करने में सहायता कर सकता है। शरीर में पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व ना मिलने से हृदय संबंधित समस्याएं पैदा होने लगती हैं। ब्रोकली में सिलेनियम और ग्लूकोसेनोलेटिस ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये दोनों शरीर में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाकर आपके हृदय को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। अगर आप ब्रोकली नहीं खाते हैं तो इसे अपनी डाइट चार्ट में डाल सकते हैं और ब्रोकली के फायदे ले सकते हैं ताकि आपका दिल हेल्थी रहे। कैंसर होने के कई कारण हो सकते हैं और इसके इलाज पर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रोकली के सेवन से आप कैंसर से बच सकते हैं? ब्रोकली में सल्फोराफेन नामक यौगिक होता है जो कैंसर को होने से रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है। सल्फोराफेन एक प्राकृतिक प्लांट कंपाउंड है जिसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं, लेकिन इसे जरूरत से ज्यादा पकाने या उबालने से ये खत्म हो सकता है। इसीलिए ब्रोकली को हल्का उबाल कर या स्टीम करके सेवन किया जाए तो बेहतर है। आप ब्रोकली को अंकुरित करके भी खा सकते हैं और कैंसर जैसी बीमारी को दूर रख सकते हैं। बेशक जंक फूड का स्वाद सभी को अच्छा लगता है लेकिन इसे खाने से पाचन तंत्र खराब हो जाता है। ऐसे में ब्रोकली आपके पाचन क्रिया में मदद कर सकती है। इसमें ग्लूकोसिनोलेटेस और विटामिन सी होते हैं जो आपके खाने को तुरंत पचाने में मदद कर सकते हैं। बढ़ती उम्र के साथ चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देना आम बात है। इन झुर्रियों को तेजी से बढ़ने से रोकने के लिए आप कई उपाय भी करते हैं जिनमें ब्रोकली की सब्जी भी शामिल है। ब्रोकली में सल्फोराफेन पाया जाता है जो एजिंग के प्रभाव को कम करता है। बालों के झड़ने और गंजेपन की समस्या के कारण कई बार आप अपनी उम्र से ज्यादा बड़े दिखने लगते हैं। साथ ही ये समस्या चिंता का कारण भी बन जाती है। ऐसे में पर्याप्त पोषक तत्वों का सेवन जरूरी है। इनकी पूर्ति हरी सब्जियों के सेवन से हो सकती है। हरी सब्जियों में भी ब्रोकली को जरूर अपने खाने में शामिल करें क्योंकि ब्रोकली में विटामिन बी और विटामिन सी पाए जाते हैं। ये आपके बालों को मजबूत बनाते हैं और इन्हें झड़ने से रोक सकते हैं। आपको ब्रोकली के फायदे के बारे में तो जानकारी मिल गई है, लेकिन अगर ब्रोकली बनाने की विधि सही हो तभी ब्रोकली के फायदे आपको पूरी तरह से मिलेंगे। तो
तो चलिए बात करते हैं कैसे आप ब्रोकली को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ब्रोकली को सब्जी की तरह खाया जा सकता है, इसे चिकन और अंडे के साथ भी मिलाकर खा सकते हैं। आप ब्रोकली का सूप बना सकते हैं या फिर इसे उबाल कर भी खाया जा सकता है। इसका सलाद भी बनाया जा सकता है, फिटनेस के शौकीन इसे सलाद के रूप में उपयोग करते हैं। ब्रोकली को अंकुरित करके भी खाया जा सकता है। अगर ब्रोकली को पास्ता और नूडल्स में मिक्स किया जाए तो इससे न सिर्फ उनका स्वाद बढ़ता है बल्कि जरूरी पोषक तत्व भी मिलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ब्रोकली के नुकसान की। ब्रोकली का अधिक मात्रा में सेवन करना आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, इसके वजह से पेट की समस्या हो सकती है। ब्रोकली से कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है। गर्भावस्था में ब्रोकली का सेवन कम मात्रा में करें, अधिक मात्रा में सेवन करना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। वैसे ब्रोकली के नुकसान से आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसका सही मात्रा में उपयोग करेंगे तो इसका आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो चलिए आज इस वीडियो में हमने बात की कि ब्रोकली कैसे आपके शरीर को फायदा दे सकती है। ऐसे ही कई अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।